इस वक्त हम मौजूद हैं फरिंदा विधानसभा के सिधवारी ग्राम सभा में। यह बूथ है सिधवारी ग्राम सभा। देखिए प्रधान के द्वारा ये बूथ को सजाया गया है। मेरे साथ कुछ मतदाता हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने वोट डाला है, क्या इनके क्या मुद्दे थे, क्या इस बार क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे पे आपने वोट किया है? आज तो मुद्दे की बात नहीं होगी, आज तो गर्मी से न डरें, अधिक से अधिक मतदान करें। मेरे साथ और कुछ लोग भी हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। चाचा आपने वोट डाला है, क्या मुद्दा है इस बार आपका? मेरा मुद्दा है, जैसे 2014 में जब लोकसभा का परिणाम आया तो परिणाम को देखने के लिए इतनी समस्या थी कि लाइट नहीं है, इन टीवी नहीं चल रहा, इन्वर्टर काम नहीं कर रहा। आज कम से कम पर्याप्त लाइट मिल रही है, गर्मी में हम लोग सो तो रहे हैं। लाइट मिल रही है, लॉ इन ऑर्डर सही है, आराम से सब काम हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मेरे साथ ग्राम प्रधान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। प्रधान जी अपने बूथ पे किस तरीके का व्यवस्था आप किए हैं? हम तो चाह रहे हैं यहाँ जो भी कर्मचारी आए हुए हैं उनको जो है किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गर्मी ज़्यादा है तो पानी 3 बार 4 बार ठंडा पानी जो है व्यवस्था कराया कि एक एक घंटे 2-2 घंटे पर ठंडा पानी आ जाया करे, और सुबह नाश्ता की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएँ हम कराए हुए हैं जिससे कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। टेंट और चीज़ें लोगों को धूप में खड़ा होकर लाइन लग कर जो है न वोट डालना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान हो, यही हम चाहते हैं। मेरे साथ कुछ और मतदाता भी हैं, उनसे भी जानेंगे इस बार आप लोग क्या मुद्दे थे, किस मुद्दे पे इस बार वोट किए हैं आप लोग? मुद्दा यही है कि जिला का हमारे विकास हो, देश का विकास हो, देश में जो भी मैनेजमेंट है वो सही से चले, आर्थिक जो योगदान है सब बना रहे। इसलिए हमारा सबसे अपील है कि मतदान पहले करें, बाकी काम सबसे बाद में करें। ये थे मतदाता, इनका साफ कहना है कि पहले मतदान करें, फिर जलपान करें और सबका मतदान के बाद करें। ये ग्राम सभा सिधवारी का बूथ है जो चारों तरफ से सजा दिया गया है, और यहाँ पे जो महिलाएं आ रही हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई है कि किसी तरीके का महिलाओं को परेशानी ना हो। ज़्यादातर यहाँ महिलाएं, धूप इतना तेज़ है कि महिलाओं को दिक्कत हो रहा था, इसलिए प्रधान ने यहाँ पंडाल लगाया, सब कुछ व्यवस्था यहाँ पे कर दी है। फरिंदा से राहुल पांडे, डायनामाइट न्यूज़, महाराजगंज।